नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बेस्ट में। अयोध्या में नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत हो चुका है। उन्होंने हनुमान जी की पवित्र आरती की और उसके बाद हमारे भक्तों को वहाँ पे श्री राम भगवान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी भी वहाँ पे पधारे हुए हैं और अन्य संगठन भी वहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाब फ्रालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं, जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है। साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहां निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। इसलिए हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि भगवान श्री राम का संदेश, राम मंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे, कैसे हमारे ज्ञान, हमारी जीवन दृष्टि से विश्व परिचित हो, ये हमारी वर्तमान और हमारी भावी पीढ़ियों की विशेष जिम्मेदारी है। इसी को समझते हुए आज देश में भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े वहां राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या तो भगवान राम की अपनी नगरी है। अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है।